और कैसे हैं आप सब। मैं आदित्य शंकर, डाउटनेट का को-फाउंडर, आज फिर आपसे मिलने आया हूं और डाउटनेट के महा सरप्राइज का खुलासा भी करूंगा आज। लेकिन इस खुलासे से पहले मैं आप सभी के साथ ये जो बीते 4 साल डाउटनेट ने बिताए हैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। आज से तकरीबन 4 साल पहले तनुश्री और मैंने डाउटनेट ऐप को प्ले स्टोर पर रिलीज़ किया था। हमारा मकसद ये था कि भारत के दूर दूर कोने तक हर बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, जिसका एक्सेस अगर उनके पास नहीं है तो एक सिर्फ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उनको डाउटनेट ऐप पर मिल जाए। हमने शुरुआत की थी सिर्फ मैथ्स के सवालों के जवाब देने से। एक बुक में से आप फोटो खींच के सवाल हमें भेजते थे, उस सवाल को हम 5 से 6 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल के आपको एक वीडियो में उसका जवाब भेजते हैं। इससे आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद हुई। बहुत सारे बच्चों ने हमें ये कहा कि सिर्फ मैथ्स थोड़ी ही ना पढ़ते हैं, अगर हमें फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, बायोलॉजी पढ़ना हो तो वो कैसे होगा। तो फिर हमने इन सारे विषयों के भी सवालों के जवाब वीडियो बनाकर अपने प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर ऐड किया। धीरे धीरे हम इंडिया के नंबर 1 ऐप बन गए। आज के दिन भी हम इंडिया के सबसे बड़े ऐप हैं। अगर आप ये देखें कि हर रोज़ कितने बच्चे डाउटनेट ऐप पर आकर पढ़ाई करते हैं। पिछले साल जब कोविड की भयानक समस्या हम सबके सामने आई, पैंडमिक स्टक इंडिया और रादर वर्ल्ड, तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई इससे टूट फूट गई। उनके स्कूल बंद हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्यूशन सेंटर्स, ये सब कुछ बंद हो गए। तो इसमें फिर बच्चों ने हमसे पूछा कि डाउटनेट हमारी मदद कैसे कर सकता है। तो हमने आनन फानन में एक बेहतरीन टीम का संगठन किया। ये ऑफिस जहाँ पे हमने तकरीबन 40 स्टूडियोज़ बनाए और आप तक ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में हम आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अब डाउटनेट ऐप पर ही कराने लग गए। और हमने देखा कि सिर्फ 1 साल के छोटे से समय में डाउटनेट ऐप पर पढ़कर हमने बहुत सारे राज्यों में, स्टेट्स में जो उनके बोर्ड्स के टॉपर थे उनको प्रोड्यूस किया। हम जब डाउटनेट ऑफिस के अंदर आते हैं, चाहे जैसे मैं अभी आ रहा हूँ, तो घुसते ही इस दीवार पर हम मिलते हैं उन टॉपर्स से जिन्होंने डाउटनेट पर पढ़ाई करके अपने स्टेट के मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में जगह बनाई। इसके साथ साथ, पढ़ाई और डाउट सॉल्विंग के साथ साथ, हम हर हफ्ते एक स्कॉलरशिप टेस्ट का भी आयोजन करते हैं जिसमें तकरीबन 3 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से उन बच्चों को पता चलता है उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उनका ऑल इंडिया रैंक से ये पता चलता है कि वो पानी में कितने अंदर हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में हम लेकर आए हैं एक इंग्लिश सीखो गेम, जिसमें आप डाउटनेट ऐप पर इंग्लिश सीखो गेम खेलकर अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। अंग्रेजी में बोलना सीखना, किसी और से बात करना, ये सब कुछ और आसान हो जाएगा। सिर्फ आप नहीं, आपके बड़े भाई बहन, आपके माता पिता, आपके छोटे भाई बहन, आपके आस पड़ोस के दोस्त, ये सब लोग डाउटनेट ऐप पर आकर इंग्लिश सीखो गेम के मदद से अपनी अंग्रेजी में सुधार ला सकते हैं। चलिए अब और ज़्यादा बातें ना करके मैं अपना काम पूरा करूं जिसके लिए आज आपके सामने आया हूं, कि डाउटनेट के महा सरप्राइज का खुलासा क्या है। तो डाउटनेट ने आपके आईआईटी जेईई एडवांस्ड और नीट की पढ़ाई और बेहतरीन करने के लिए और आपके रैंक्स को और अच्छा करने के लिए इंडिया के महागुरु को डाउटनेट प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। तो इंडिया के नंबर 1 गुरु, इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन ऐप डाउटनेट पर आपके लिए नंबर 1 पढ़ाई, आपके लिए नंबर 1 रैंक लाने का मौका लेकर आए हैं। तो आइए मिलते हैं उस महागुरु से हमारे स्टूडियो में। देखें अंदर कौन आपके लिए इंतजार कर रहा है।
तो अब बस इस महा सरप्राइज का खुलासा होने ही वाला है। मैं आप लोगों के सामने डाउटनेट प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूं एनकेसी सर को। नाम तो सुना ही होगा आपने। तो डाउटनेट प्लेटफॉर्म पर एनकेसी सर का धमाके से स्वागत कीजिए। थैंक यू आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स टीचर। और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग मुझे एनकेसी सर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया हुआ है और आईआईटी जेई के फील्ड में मैं लास्ट 16 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। कोटा के टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ मैं, और हज़ारों से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं आईआईटी जेई और नीट में, और टॉप 10 में भी मैंने कई बार रैंक दी है। ठीक है बच्चों, तो और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अब डाउटनेट पे हूँ और इंडिया की टॉप क्लास टीम के साथ मिलकर डाउटनेट पे आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक बात से आप लोगों को अवगत करा देते हैं कि एनकेसी सर और मैं, हम दोनों आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं। सर मुझसे बस एक साल सीनियर हैं और यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि हम काफ़ी अच्छे से बच्चों को आईआईटी जेई और नीट की तैयारी करवा सकें। तो सर, अमूमन बच्चे हमसे ये पूछते रहते हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहती है कि हम आईआईटी की तैयारी कैसे करें। चूंकि आप आईआईटी खुद भी गए थे और आपने हज़ारों बच्चों को आईआईटी अपनी पढ़ाई के जरिए भेजा है, तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने आईआईटी की तैयारी में क्या किया था स्पेशल। एक्चुअली जब मैं स्कूल डेज में था अपने, तो मुझे तो नहीं पता चलता था, पर मेरे चारों तरफ के जो मेरे फ्रेंड्स थे या और लोग थे, वो मुझे बताते थे कि आप बहुत सीरियस टाइप के स्टूडेंट थे। तो मेरे बड़े भाई की बुक्स जो घर पे रहती थी, वो मुझसे एक साल सीनियर थे और सेम स्कूल में पढ़ते थे, तो थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट ईयर क्या होना है, कैसे होना है, उसका आइडिया मुझे रहता था। ठीक है ना, और 11th क्लास में स्टार्टिंग में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करनी है, मुझे आईआईटी जाना है। और मैं जनरली लेट नाइट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में था। मैं भी। तो तैयारी के समय कुछ खास टिप्स अगर आप बता सके बच्चों को कि अगर हम रात को पढ़ते हैं तो दिन में हमें क्या करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, बुक्स में हम अपने जो डाउट्स वगैरह हैं उसको कैसे मार्क करके रखें। मेरी एडवाइस बच्चों को यही रहेगी, अगर वो 11th क्लास से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए और डाउट्स को सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए, डाउट्स नहीं रहने चाहिए हमारे। मैंने जनरली अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि मेरे जो डाउट्स हैं वो किसी तरीके से सॉल्व हो जाएं। उससे प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिल जाती है, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं उसके बाद प्रिपरेशन, हम क्रैक कर सकते हैं अगर हमारे डाउट्स प्रॉपरली सॉल्व होते हैं तो। और मुझे और लोगों के डाउट सॉल्व करने में भी बड़ा अच्छा फील होता था, और जब कोई मेरे डाउट सॉल्व कर देता था तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी, बहुत अमेजिंग फील होता था और एक बूस्ट मिलता था कि अब मुझे और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये थी बात आईआईटी की तैयारी की। अब आईआईटी पहुंचे, आईआईटी दिल्ली का कैंपस आपको मिला, तो वहाँ के कुछ मेमोरीज हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे कुछ शरारती। वैसे आदित्य, आप भी सेम आईआईटी दिल्ली से ही हो तो आपको सारा आईआईटी दिल्ली का पूरा पता ही है। तो एक आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग मैस में खाना खाने जाते थे, ये वो मेमोरीज हैं जो मेरे माइंड पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। और एक नहीं, मैं आपको दो इंसिडेंट बताऊंगा जो बहुत इम्पैक्टफुल रही हैं मेरी लाइफ में और आईआईटी की ही मेमोरीज हैं। तो जैसे मैस में खाने जाते थे तो खूब सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाते थे, तो उस टाइम बहुत थ्रिलिंग हुआ करता था कि हम सोचते थे अगर लाइट चली गई तो क्या होगा। और उस टाइम, अब से लगभग 20 साल पुरानी बातें हैं, उस टाइम अगर लाइट चली जाती तो इन्वर्टर एकदम से नहीं चलता था, उसको चलाने के लिए जाना पड़ता था, तो एकदम बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। उस टाइम हम डर जाते थे, आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, कोई स्टूडेंट कहीं से भी चावल थ्रो कर दिया करता था, कहीं से रोटी थ्रो कर दिया करता, तो हम बहुत डरे बैठ रहे थे कि कहीं कुछ आ ना जाए। तो वो आजकल जब भी लाइट चली जाती है, मुझे तुरंत वो सीन याद आ जाता है आईआईटी का।
ठीक, ये तो वो फन वाली बात हुई, ठीक है ना। एक सेकंड मेमोरी है जो मेरे दिमाग पे बहुत असर करके गई थी। एनएसएस की कुछ क्लासेस हमें करनी पड़ती थी, ठीक है, नेसेसरी थी, हमारे कोर्स का पार्ट था। उसमें हमें जाके सोशल कुछ अपना टाइम डिवोट करना पड़ता था, तो मुझे वहाँ मौका मिला स्लम एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाने का। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया, उन बच्चों को पढ़ा के मुझे इतना सुकून फील होता था कि जब भी एक हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद वो एनएसएस की इवेंट होती थी और मैं वहाँ से पढ़ा के आता था, तो दो तीन दिन तक मुझे बहुत सुकून फील होता था। ये ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा पीस मेरे माइंड को कहीं और मिल नहीं सकता था। सही, और शायद यही फैक्टर है कि मैं टीचिंग की तरफ बहुत इंक्लाइंड था। सही बात है, विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। अगर आपको बताएं तो डाउटनट की जो कंपनी का नाम है, जो पेरेंट कंपनी का नाम है, क्लास 21A, 21A इज द आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स राइट टू एजुकेशन, विच प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन टू द किड्स। एंड ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज एनकेसी सर हमारे साथ हमारे मिशन में जुड़े हैं, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हम भारत के सारे बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई प्रदान कर पाएंगे एनकेसी सर के साथ मिलके। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि आप नंबर वन एजुकेटर हैं, मतलब थ्रू आउट, मतलब मैं आपको बहुत दिनों से मिलते रहते हैं, बात करते हैं, आपको देखा है, आपके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तो अभी आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने डाउटनेट ज्वाइन किया? आप क्या सोचते हैं कि ये विजन कितना बड़ा हो सकता है, हम कैसे जो ये पूरा जो पटल है एजुकेशन का हम कैसे बदल सकते हैं? ओके, एक्चुअली आदित्य, मैं अपने 16 प्लस इयर्स के करियर में जब भी पढ़ाता था, पढ़ा के क्लास लेने के बाद आके आराम से बैठ के सोचा करता था, तो मैं सोचता था कि ये जो एजुकेशन है, देश के किसी कोने में, किसी गांव में कोई जो नॉर्मल एवरेज फैमिली का जो बच्चा है, जिसके पास संसाधन नहीं है इतने अच्छे, उस बच्चे तक ये क्वालिटी एजुकेशन मैं कैसे पहुंचाऊं? मैं ये चाहता था कि किसी तरीके से मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कोई ऐसा कोई चीज़ इन्वेंट हो कि भाई जो किसी मेट्रो सिटी में एडवांस, टेक्निकली एडवांस फैमिली में पढ़ने वाले बच्चे को जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जिस टाइप का कंटेंट मिल रहा है, जिस टाइप की एजुकेशन मिल रही है, सेम एजुकेशन उस गांव में रहने वाले बच्चे को पाने का पूरा अधिकार है, तो मैं वो एजुकेशन कैसे पहुंचाऊं वहां तक? तो अब आदित्य, ये वाली बात मेरे मन में बहुत पुराने समय से थी, और डाउटनट वो प्लेटफॉर्म है जो ये सेम काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। डाउटनट ने प्रूव कर दिया है कि देश के कोने कोने में छोटे से छोटे गांव के बच्चे तक भी ये एजुकेशन पहुंचाने में डाउटनट सक्षम है, और वो पहुंचा रहे हैं, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो ये पॉइंट भी मेरे लिए बहुत ही अट्रैक्शन का पॉइंट था। मतलब कि हम 1+1 2 नहीं, 1+1 11 मिलकर भारत के हर बच्चे के लिए बेस्ट पढ़ाई करवा सकेंगे। तो अब मेरा काम पूरा हुआ, अब एनकेसी सर हैं, ये आपको पढ़ाएंगे बेस्ट, आपके लिए जो तरीका होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, होमवर्क, डीपीपी, जो कुछ भी ज़रूरत है, एनकेसी सर विल टेक केयर ऑफ इट, एंड आई विल बी इन द बैकग्राउंड ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट। और आपके जो कुछ भी फीडबैक होंगे, सजेशंस होंगे, हम उनको सुनेंगे, उन पर रिएक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, और होपफुली एनकेसी सर के साथ हम सब बेस्ट रिजल्ट्स इंडिया का डाउटनट ऐप के ऊपर दे पाएंगे। थैंक यू आदित्य, ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस। थैंक यू। तो बच्चों, आपका IIT JEE और नीट में टॉप रैंक लाने का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए मैं नए नए कोर्सेज स्टार्ट करने वाला हूँ अगले ही हफ्ते से, तो अभी रजिस्टर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इन कोर्सेज की पूरी डिटेल्ड में जानकारी के लिए मैं कल आऊँगा सेम टाइम पे 7 बजे, यानी कि 16 फेब को 7 बजे, केवल डाउटनट पे। तो अब हर बच्चा है A1 के लेवल की पढ़ाई करने का पूरा हकदार। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।